नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दृष्टि की अपडेटेड सिलेबस, वो भी MPPSC का। हाँ, दृष्टि ने अपडेट कर दिया है पूरा सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग, और अब दृष्टि दे रहा है मात्र 8 बुकलेट्स जिसमें प्री और मेंस दोनों कवर रहेंगे। इन्हीं का आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ और जानेंगे कि क्या ये 8 बुकलेट्स पूरी तरह से परफेक्ट है कि नहीं सिलेबस के लिए। पहले दृष्टि देता था 28 बुकलेट्स और उसमें बहुत सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था, बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं थी वो भी दी गई थी। तो अब दृष्टि ने सिर्फ और सिर्फ 8 बुकलेट्स कर दी है और उनकी प्राइस भी बहुत कम रखी है। तो हम अगर आपको दृष्टि की यह 8 बुकलेट्स चाहिए जो कि अपडेटेड है, पूरा सिलेबस अपडेटेड है इसे में, तो ऑर्डर कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 9399-6558, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। पहली है मध्य प्रदेश भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति। इसका इंडेक्स देख लेते हैं, इंडेक्स किस प्रकार से है, क्या यह पूरी परफेक्ट है या नहीं। इसको 4 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत में और कला एवं संस्कृति में। अगर इसकी एक एक टॉपिक को अगर हम देखें तो हर एक टॉपिक कवर किया गया है। जैसे मैंने देखा था इसका पूरा एक एक बार पढ़ के देखा था कि क्या क्या कवर किया है, क्या छूटा है, क्या लेफ्ट हुआ है, बट मेरे हिसाब से इस बुक में कुछ भी नहीं छूटा है, पूरा परफेक्टली ही दिया गया हुआ है। तो आप एक सेपरेट बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं, या आपको अगर मध्य प्रदेश और भारत का इतिहास जानना है तो एक सेपरेट बुक कर सकते हैं ऑर्डर। और ऑर्डर करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी हमारी बुकलेट जो MPPSC की सीरीज है उसमें दूसरी बुकलेट है मध्य प्रदेश भारत एवं विश्व का भूगोल। भूगोल के बारे में जानकारी दी गई है और पर्यावरण और के बारे में भी बताया है। ये 8 बुकलेट में है तो आप ये मत समझिएगा कि कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं छोड़ा है। मध्य प्रदेश राज्य विशेष के बारे में बताया है, भारत का भूगोल बताया है, विश्व का भूगोल बताया है, पर्यावरण के बारे में भी बताया है। मतलब पर्यावरण भी इसी में कवर कर लिया है, पूरा एक ही बुक में कवर कर लिया है। इसको ऑर्डर करना चाहते हैं सेपरेट कर सकते हैं, अगर पूरी एक साथ ऑर्डर करना चाहते हैं तो पूरी भी ऑर्डर कर सकते हैं। थर्ड बुकलेट हमारी सीरीज की है मध्य प्रदेश व भारत की राज्य व्यवस्था, इसके बारे में लोक प्रशासन एवं प्रबंधन। इसके बारे में अगर हम देखें, इसका इंडेक्स देखें, तो इंडेक्स में भी बहुत सारी चीजें दी गई है। इंडेक्स को कितने भागों में बांटा गया है, पहले इंडेक्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहले इंडेक्स में मध्य प्रदेश वह भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में बताया, दूसरे में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बताया, तीसरे में लोक प्रशासन एवं प्रबंधन के बारे में बताया। मतलब पूरा के पूरा कवर किया है एक एक टॉपिक को। अगर इंडेक्स के अंदर हम देखें कि इंडेक्स के अंदर क्या क्या दिया गया है, राज्य व्यवस्था का परिचय, संविधान की प्रस्तावना, सारी चीजें कवर की गई है। तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, तो आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और चौथी हमारी मध्य प्रदेश एवं विश्व की अर्थव्यवस्था, और इसी में अगर हम इसका इंडेक्स देखें, इंडेक्स आप कवर करीब से देख सकते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स अगर हम देखें तो इसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहला जो खंड है उसमें मध्य प्रदेश की बताई है, फिर भारत की अर्थव्यवस्था, फिर विश्व की अर्थव्यवस्था जो पूरा की पूरा किया कंप्लीट किया होगा। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है, अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताया गया है। फिर उसके बाद में अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादा बताया है, विश्व की थोड़ा सा कम रखा गया है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन उससे बनते नहीं है, इसलिए उसमें कम रखा गया है। मतलब एक परफेक्ट सिलेबस को कवर करते हुए बुक बनाई गई है।
ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत लगे, क्योंकि 8 बुकलेट तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको पीएससी क्लियर करना है तो सिलेबस को तो पूरा कंप्लीट करना होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। सामान्य विज्ञान एवं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिक पूरा एक सिलेबस कंप्लीट किया है, पूरी एक बुकलेट बनाई है इसकी, जिसमें क्या क्या है। इंडेक्स में पहले जीव विज्ञान आ जाता है, 4 खंडों में इसका पूरा दिया गया हुआ है इंडेक्स। पहले जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, चारों खंडों में पूरी पूरी डिटेल में एक एक चीज को कवर किया है। तो इसको भी सेपरेट ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। समाजशास्त्र, शिक्षा प्रणाली, सामाजिक मुद्दे एवं कार्यक्रम, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञानिक, नैतिकता एवं खेलकूद, खेलकूद के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। सीरीज की 6th बुकलेट है ये हमारी। इसमें क्या क्या सेपरेट दिया हुआ है, किन किन खंडों में दिया हुआ है, तो पहले आप देख लीजिए फिर मैं बता देता हूँ। पहले में दिया है समाजशास्त्र, दूसरे में दिया है शिक्षण प्रणाली, तीसरे में खंड में दिया सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे, चौथे खंड में दिया है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञानिक एवं नैतिकता, पांचवें खंड में दिया है खेलकूद के बारे में, खेलकूद के बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया है, एशिया के बारे में दिया है, पहले तो प्रमुख खेलकूद के बारे में दिया है, प्रमुख खेलकूद प्रतियोगिता विश्व और एशिया, फिर भारत और मध्य प्रदेश, विश्व खेलकूद के प्रमुख पुरस्कार के बारे में, पहले विश्व के बारे में बताया, फिर भारत और मध्य प्रदेश के बारे में बताया। मतलब एक सही तरीके से इस बार दृष्टि ने पूरी बुकलेट से तैयार की गई है। इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं आप सेपरेट करना चाहें तो। मेरे हिसाब से पूरी एक साथ ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिस्काउंट होगा, ना कि आप एक एक ऑर्डर करेंगे तो उसमें, फिर भी आपको जो लगे ठीक। सामान्य हिंदी, प्रारूप लेखन एवं निबंध के बारे में अगर देखें, हमारी ये 7वीं बुकलेट से, एक के बाद में एक और बुकलेट है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसका इंडेक्स अगर हम देखें तो 2 खंडों में दिया गया है। पहले खंड में सामान्य हिंदी एवं प्रारूप लेखन के बारे में बताया है, जो कि बहुत सारी जानकारी दी गई है इसमें, जैसे हिंदी की भाषा, हिंदी भाषा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, हिंदी भाषा का विकास काल, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ खत्म हुई, सारी चीजें। तो और सेकंड खंड में निबंध के बारे में दिया है, तो निबंध के बारे में क्या क्या जानकारी लग सकती है, MPPSC में क्या पूछा जा सकता है, प्री और मेन से दोनों को कवर करके बुकलेट्स बनाई हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और 8वीं बुकलेट्स हमारी है, लास्ट बुकलेट है ये हमारी सीरीज की, सामान्य अभिरुचि और परीक्षण। ये बुकलेट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब जब मैंने इसको ओपन करा और थोड़े पढ़ने की कोशिश की इसकी, अगर हम बात करें कि लिखावट जो आपको समझ में आती है नहीं आती वो सारी चीज़ें, तो पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ एक व्यवस्थित रूप से लिखा है आपका, 100% जिसने भी लिखा उसने 100% दिया है, तो आप भी पढ़ सकते हैं इसका। इसको कितने खंडों में, इसको 5 खंडों में बांटा गया है। पहला मानसिक योग्यता के बारे में बताया पहले खंड में, जो कि लगभग 264 पेज के हैं, और तार्किक शक्ति के बारे में बताया जो कि 172 पेज के हैं, सांख्यिक विश्लेषण के बारे में बताया जो कि 114 पेज के हैं, और बोधगम्यता के बारे में बताया जो कि 24 पेज की है, और कौशल एवं संचार के बारे में बताया है जो कि 30 पेज की है। तो ये थी हमारी बुकलेट्स, आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर कर दीजिए क्योंकि अभी बहुत लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है, आपको बहुत कम मिलेगी। और हम 12 से 15 जुलाई तक एक ऑफर चला रहे हैं, जिसमें अगर आप ऑर्डर करते हैं तो लगभग ये आपको 2899 की मिलेगी। अगर आप COD करवाना चाहते हैं तो COD भी हो जाएगा, बट 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे, और अगर प्री पेमेंट कर देते हैं तो आपको 2799 में ये मिल जाएगी। नॉर्मल प्राइस इसकी 3000 रुपये है,
3,3200 के समथिंग रहेगी अगर नॉर्मली आप नॉर्मल डेज में ऑर्डर करते हैं। तो आप अभी से ऑर्डर करें, 1 तारीख से लेके लगभग 15 तारीख तक ऑफर रहेगा, आप ऑर्डर कर दीजिए अभी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारी वीडियो अब आनी वाली है क्योंकि PSC बहुत करीब है, इसके एग्जाम और नोटिफिकेशन आ गया है जो कि अप्रैल में है, तो आप तैयारी करने लगे। बेस्ट ऑफ लक सभी को।